नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। कोरोना के एक्टिव मामले 9 लाख से नीचे, संक्रमण की दर 3.22% बची है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब लगभग शांत होने के करीब है। संक्रमण की दर काफी हद तक काबू में नजर आ रही है, जिससे नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। बच्चों का रखें खास ख्याल। दिल्ली में एक महीने में 14 साल से कम उम्र के 1579 बच्चे पॉजिटिव। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अधिकांश मौतें 60 प्लस आयु वर्ग में हुई हैं और जिनकी कोमॉर्बिड स्थिति थी, विशेष रूप से कैंसर, अनियंत्रित मधुमेह और उच्च रक्तचाप। बड़ी संख्या में 30 वर्ष से कम आयु के लोग घर पर ठीक हुए हैं। बीएसपी में आने को आतुर है सपा के कई नेता, मायावती का बयान। सपा पर हमला बोलते हुए एक अन्य ट्वीट में बसपा प्रमुख ने कहा है कि जग जाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़े भी सुधार के लिए वह कतई तैयार नहीं है। ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म, अब तक नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया सूत्र। अब देश के ट्विटर के प्रबंध निर्देशक सहित इसके शीर्ष अधिकारी किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई गैर कानूनी और भड़काऊ सामग्री को लेकर आईपीसी के तहत पुलिस पूछताछ और आपराधिक दायित्व का सामना कर सकते हैं। गुजरात, कार और ट्रक की टक्कर में एक परिवार के 10 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 महिलाएं, 7 पुरुष और 1 बच्ची भी शामिल है। ये घटना आज सुबह करीब 6 बजे हुई है। घटना के तुरंत बाद खबर मिलते ही 108 एम्बुलेंस और तारापुर पुलिस की टीम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। नेपाली नहीं, सिर्फ भारतीय गोरखा महिलाओं के लिए मिलिट्री पुलिस में खुली है भर्ती, सेना ने दी सफाई। भारतीय सेना ने पहली बार मिलिट्री पुलिस में गोरखा महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं। जियो फाइबर यूजर को नहीं देनी होगी सिक्योरिटी और इंस्टॉलेशन फीस, फ्री मिलेगा राउटर। लॉन्च हुए पोस्ट पेड प्लान्स। रिलायंस ने अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क जियो फाइबर ग्राहकों के लिए पोस्ट पेड प्लान्स लॉन्च किए हैं। बेटी का पीछा करने वाले को पिता ने पीट पीट कर मार डाला। तमिलनाडु की लड़की का पीछा करने वाले एक शख्स को लड़की के पिता ने सरेआम पीट पीट कर मार डाला। यह घटना चेंगलपेट इलाके की है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, आधार सत्यापन सहित पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई। ईपीएफओ ने मंगलवार को कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के सार्वभौमिक खाता नंबर को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुए भविष्य निधि रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को 1 सितंबर 2021 तक का समय टाल दिया है। भाजपा सांसद सुनील मंडल ने दी अटकलों को हवा, कहा पार्टी में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले लोकसभा सांसद सुनील मंडल ने मंगलवार को कहा है कि वह नई पार्टी में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद, बुजुर्ग से पिटाई के मामले में ट्विटर समेत 9 पर FIR। पीड़ित व्यक्ति का दावा है कि उनकी पिटाई करने वालों ने उनसे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा था, हालांकि पुलिस ने इस मामले में सांप्रदायिक पहलू होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सूफी अब्दुल समद की पिटाई करने वालों में हिंदू मुसलमान मिलकर कुछ 6 लोग शामिल थे और सभी उनके द्वारा बेचे गए तावीज को लेकर नाखुश थे। पेट्रोल डीजल के दाम सुनकर छूट जाएंगे आपके पसीने। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार की राहत के बाद आज बड़ी बढ़ोतरी हो गई है। आज यहां सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीन की लगी 26 करोड़ से अधिक डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 26 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। IPL में स्पॉट फिक्सिंग के दोषी स्पिनर अंकित चव्हाण पर से BCCI ने हटाया बैन। साल 2013 में IPL मैच में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में इस खिलाड़ी को गिरफ्तार किया गया था। अंकित के साथ तेज गेंदबाज श्रीसंत और अजीत चंदीला को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में मिली जीत के बावजूद न्यूजीलैंड को भारत से मिलेगी कड़ी टक्कर, गैरी स्टीट।
स्टीन ने साथ ही कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के बीच में ही स्थगित होने के कारण भारत के शीर्ष स्टार खिलाड़ियों को तरोताजा होने का मौका मिला और अगर यह T20 लीग मई के अंत तक चली तो ऐसा नहीं होता। उर्वशी रौतेला मिट्टी का लेप लगाकर सनबात लेती आई नजर। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, इसमें वह पूरे शरीर में मिट्टी का लेप लगाए हुए धूप में बैठी हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने मड थेरेपी के फायदे भी बताए। आदित्य नारायण का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, 2 महीने में हुए फैट टू फिट। आदित्य नारायण ने कोरोना वायरस से रिकवर होने के केवल 2 महीने बाद ही ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, जिसकी तस्वीरें भी आदित्य नारायण के फैंस काफी शेयर कर रहे हैं और पसंद भी। अनुपम खेर ने शेयर की थ्रोबैक तस्वीर, शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ क्लासिक लुक में आए नजर। अनुपम खेर ने कई फिल्मों में शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ के साथ काम किया है। प्रेग्नेंट नीना गुप्ता को सतीश कौशिक ने दिया था शादी का ऑफर, कही थी ये बातें। अभिनेता मित्र और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक ने मसाबा गुप्ता के होने से पहले प्रेग्नेंट नीना गुप्ता से शादी करने की पेशकश की थी। दिग्गज अभिनेता चंद्रशेखर का 97 की उम्र में हुआ निधन। दिग्गज अभिनेता चंद्रशेखर ने मुंबई के अपने अंधेरी स्थित निवास में आखिरी सांसें भरी हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल TV वंशिका चौहान के साथ।